हेलो 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 हाय बच्चा बाड़ी वेरी वॉम वेलकम टू द चैनल शिप्रा मिश्रा दिस इज शिप्रा मिश्रा एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन जल्दी से मुझे बता दो अगर एवी क्लियर है मतलब ऑडियो वीडियो आपको आ रही है और हम लाइव हैं तो जल्दी से जल्दी से बता दो यार एक तो ना ये सेशन सबके साथ में शेयर कर दो जल्दी से सबके साथ में शेयर कर दो सबको बुला के लेके आ जाओ मैं भी एक बार शेयर कर देती हूँ यार सबके साथ में एक्चुअली क्या था कि फ्रीक्वेंट पावर कट्स की वजह से ये सेशन में लगा नहीं पाई थी लगा लेते हैं सारे इलेवेंथीज को अब देखो मैम से सीखो है ना शेयरिंग इज़ केयरिंग चलो मैंने सब जगह शेयर कर दिया है आप लोग भी कर दीजिए कोई बात नहीं की तैयारी कर रहा हूँ इंग्लिश की तैयारी तो हाय मनीष यादव जी थैंक यू सो मच आपने इतना विश्वास दिखाया है चैनल पे और मुझ पे अभी मैं क्लास इलेवन क्लास टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ को हेल्प कर रही हूँ बट uh, मैंने मेरा जो वो कैब पावर बुक है उसमें भी इंग्लिश का वो कैबलरी कवर किया हुआ है और इस चैनल पे भी मैं वो कैबलरी क्लियर कवर करने वाली हूँ इनफैक्ट इंग्लिश का काफ़ी सारा पोर्शन आपके एस के लिए कवर करूंगी तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा मैं एक बार ये बच्चों का कोर्स कम्प्लीट करा दूँ तो उसके बाद में हम ये करेंगे ठीक है ओके okay. थैंक यू दिलीप दैट सो स्वीट ऑफ यू कॉन्ग्रेचुलेशन्स हाय महक हाय अमित हाय महक हाय शुभम थैंक यू फॉर कमिंग हाय उदित आई मिस यू टू हाय महक आर यू कैसे हो अंशुमन मैं अच्छी हूँ दीपशिका आप कैसे अच्छा दीपशिका हाय दीपशिका आर यू रुद्रम आज क्लास मिस हो गई है क्या हाँ हाय पल्लवी कैसे हो क्या हाल है हाय वंशिता आर यू गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाय अमित हाय रुद्रम हाय हाउ आर यू हेलो मानव क्या हाल है हाय अमित ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बर्थ हमारा चैप्टर है आखिरी चैप्टर है स्नैपशॉट से इसके बाद में स्नैपशॉट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स इसके बाद में स्नैप शॉट में और कुछ नहीं बचेगा है ना तो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं देखो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर लिखा है ए जे किसने लिखा है ए जे तो जल्दी से ए जे क्रॉन ओपी कर दीजिए जल्दी से बॉक्स में एजे क्रॉन इन ओपी कर दीजिए ताकि से जी को अपना ड्यू क्रेडिट मिल जाए देखो इन्होंने बहुत ही कमाल का चैप्टर लिखा है खास करके वो बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए तो काफी इमोशनल चैप्टर ये होने वाला है क्योंकि जब हम इस चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं बर्थ ठीक है और हम हमारा फर्स्ट पेज देखते हैं स्लाइड का तो हमें ऐसे दिखता है दैट दिस चैप्टर इज जस्ट गोइंग टू बी अबाउट बर्थ ये एक छोटे बच्चे के जन्म के बारे में होने वाला है हाँ ये चैप्टर एक छोटे बच्चे के जन्म के बारे में होने वाला है पर उसके साथ साथ में एक डॉक्टर का जन्म भी यहाँ पर होगा ये देखिए कोई भी इंसान की प्रोफेशन का जन्म जो है वो तब होता है जब वो अकम्पलिश फील करता है जब मैंने शायद टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज़ किया था और मैं अपने आप में मुझे लग रहा था मैं एक टीचर बन चुकी हूँ मैंने मेरा पहला बैच पढ़ाया और उसमें मुझे वो रिज़ल्ट निकल कर आया जो मैं चाहती थी कि मैं मेरे बच्चों के लिए प्रोड्यूस करूँ तो तब मुझे फील हुआ कि हाँ आज मैं सही मायने में एक टीचर बनी हूँ जब बच्चों ने आया बच्चों ने बताया मां ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए थे ऐसे पेपर लिखा ये रिजल्ट निकला है पेरेंट्स से बात हुई उनकी वो खुशी वो प्राउड जो मुझे फील हुआ वहां मुझे महसूस हुआ कि हाँ मेरा एज अ टीचर आज जन्म हुआ है तो जन्म तो मैंने पहले ही ले लिया था पर एज अ टीचर मेरा आज जन्म हुआ एग्जैक्टली exactly वैसा ही यहाँ पर इस चैप्टर में है हाँ बिल्कुल एक बच्चे के जन्म के बारे में तो ये चैप्टर होने ही वाला है बट इसके साथ में एक डॉक्टर के जन्म के बारे में भी ये चैप्टर होने वाला है तो आई होप कि अब आप गेस कर चुके होंगे कि चैप्टर का स्टोरी किस लाइन पे होगा अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा मैंने वहां पर इसका समरी जो है आपके लिए पेस्ट कर दिया है चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एजे क्रॉनिन तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं चलो बच्चों। इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है इस चैप्टर की शुरुआत होती है आधी रात से जी हाँ ये चैप्टर की शुरुआत होती है आधी रात से जब हमारे डॉक्टर साहब किन का क्या नाम है डॉक्टर साहब का डॉक्टर साहब का नाम है एंड्रयू ठीक है तो आधी रात की बात है जब हमारे डॉक्टर साहब जिनका नाम है एंड्रयू वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं वो ब्रायन गोर पहुंच जाते हैं एक जगह है वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो अभी यार डॉक्टर अपनी ड्यूटी करता है ड्यूटी करके थक हार के अपने घर पहुंचता है ये सोच के कि चलो आराम मिलेगा आराम करेंगे है ना तो बस उसी की तरह अभी आधी रात को हमारे डॉक्टर साहब एंड्रयू जी जो है वो भी अपने घर जो है वो पहुंच जाते हैं ब्रायन गोड में उनका घर होता है तो वहां वो पहुंच जाते हैं और जैसे वो वहां पहुंचते हैं उन्हें वहां पर जो मॉर्गन नाम का इंसान देखने को मिलता है वेटिंग फॉर हिम वो देखते हैं कि वहां पर जो मॉर्गन जो है वो इनका इंतजार कर रहे होते हैं अब डॉक्टर के घर के सामने एक इंसान ऐसे चक्कर लगा रहा होता है यू चक्कर लगा रहा होता है तो अभी डॉक्टर को देख के समझ में आ जाता है कि इसको कोई तो परेशानी है इसे कोई तो परेशानी है इसे कोई तो प्रॉब्लम है इसीलिए ये यहाँ पर आया कोर्स आधी रात को डॉक्टर के घर अदरवाइज कोई क्यों ही जाएगा इसके लिए तो जाएगा नहीं कि चलो एक एक कप चाय हो जाए है ना तो जो मॉर्गन वहां उनका इंतजार कर रहे होते हैं और एकदम बस ऐसे 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 करके चक्कर लगा रहे होते हैं अब वो जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो जितना भी जो भी स्पेस बचता है उनके कमरे के बीच में और यू नो जो थोड़ी सी जगह होती है आप जैसे मान लीजिए कोई क्लिनिक क्लिनिक में भी गए हैं तो आप देखते हैं कि जो जाने का पैसेज होता है उस पैसेज के अंदर जितनी भी जगह होती है उसमें वो चक्कर लगा रहे होते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो जगह है और जो ए, एंट्रेंस है घर का उसके बीच में वो यहाँ पर चक्कर लगा रहे होते हैं अब जैसे ही वो यहाँ पर एकदम से यू चक्कर लगा रहे होते हैं एकदम ऐसे सोच रहे होते हैं भगवान जाने क्या और क्यों वहां पे इंतजार कर रहे होते हैं एंड्रयू का और एंड्रयू उन्हें दिखते हैं जैसे ही उन्हें एंड्रयू दिखते हैं तो एकदम से खुश हो जाते हैं उनके एकदम से डल चेहरे पे कद्दू जैसी शक्ल पे एकदम रिलीफ वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं उफ! एकदम ऐसे वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं कि बस अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है बच्चों डॉक्टर जो होता है उसको देखकर हर इंसान को यही फील होता है कि बस अब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया हूँ ना अब मुझे ये बचा लेंगे इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं क्योंकि अभी आपको यही फील हो रहा होता है कि आपको कोई भी परेशानी है अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो उनके पास उसका इलाज मिल जाएगा और आप बिल्कुल बच जाओगे तो ऐसा ही फीलिंग जो है वो जो मॉर्गन को भी आता है एंड्रयू को देख के ठीक जी। हाँ जी सर्जरी वो एक जगह होती है जो आपको आपने क्लिनिक में भी देखी होगी वो वो एक होता है तो वहाँ पर वो थोड़ा वॉक कर रहे थे बर्ली का मतलब होता है एकदम हेवीली बिल्ट एकदम हट्टा कट्टा और ड्रिलर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि फ्लोर का, का काम करता हो डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू I've been अब इन बैक एंड फॉरवर्ड दिस लास्ट आर दिसेज वॉन्स before time too. तो so, अभी यहाँ पे एकदम से जब वो चक्कर लगा रहे होते हैं और वो डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर को देखते ही वो कहते हैं अरे आपको देखकर तो मैं बहुत खुश हुआ मैं तो ना पिछले एक घंटे से यहीं पर ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ मिसेज यानी के जो मॉर्गन की वाइफ मिसेज यानी जो मॉर्गन की वाइफ बोला कि जो मॉर्गन की जो बोलता है कि मेरी वाइफ आपको चाहती है बिफोर टाइम टू कभी कभी क्या होता है कि जैसे पहले जो डिलीवरीज़ होती थी या फिर बहुत बार अभी भी नॉर्मल डिलीवरीज़ घर पर कराई जाती हैं ठीक है ठीके? आजकल तो लोग हॉस्पिटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं बट पहले ऐसा होता था कि डिलीवरीज़ घर पर होती थी तो ना डॉक्टर्स उसके आसपास उस डिलीवरी टाइम के आसपास ही घर पर पहुंच जाया करते थे बट अभी क्या है ना यहाँ पे जो मॉर्गन आया और जो मॉर्गन ने आकर बोला कि देखो मुझे पता है कि डिलीवरी के टाइम के आसपास तो आप पहुँच जाओगे बट मेरी जो मिसेस है यानी मेरी जो वाइफ है वो चाहती है कि आप उससे पहले आ जाओ कि आप ना डिलीवरी टाइम के पहले ही आ जाओ मतलब कोई चांस ही नहीं लेना है उससे पहले आकर वहां पर बैठ जाओ ताकि इसे कोई भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो आप वहां पर मौजूद रहो अब जैसे ही यहाँ पर ये बात वो कहती है एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टम्पलेशन अब्रप्टली का मतलब होता है बच्चों एकदम से रिकॉल्ड मतलब वापस आना फ्रॉम द कॉन्टम्पलेशन कॉन्टम्प्लेशन मतलब होता है सोचना ऑफ इज ओन अफेयर्स अब बच्चों ये बात तो आप जानते हो कि कोई भी प्रोफेशनल इंसान जो है वो इंसान भी है मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास में जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं बट ये बात तो आप मानते ही होंगे कि डॉक्टर की भी एक पर्सनल लाइफ है उसकी भी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती हैं अगर कोई एक टीचर के बारे में आप देखते हैं टीचर को देखते हैं टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है उसके भी हो सकता है लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम चल रही होगी बट कमाल की बात ये होती है कि एक अच्छा प्रोफेशनल वही होता है जो अपने काम को और अपने पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखे जो अपने क्लाइंट्स को ये महसूस तक ना होने दे कि उसको कोई इशू चल रहा है उसे कोई पर्सनल इशू है यहाँ पर जैसे ही जो मॉर्गन ने ये चीज़ बोली कि मेरी मिसेस ये चाहती है कि आप समय से पहले ही आ जाएं, यानी आप मेरे साथ अभी मेरे घर चलें तो जैसे उन्होंने ये बोला तो मानो जैसे एंड्रयू किसी ख्याल में खोया हुआ था किसी कॉन्टम्प्लेशन यानी किसी ख्याल में खोया हुआ था और एकदम से वो उस ख्याल से बाहर निकल कर आया एकदम से वो वापस से अपने आप को रिकलेक्ट करता है कि मैं कहाँ हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ मैं कहाँ चल रहा हूँ क्या हो रहा है देखिए अपने आप को रिकलेक्ट करता है अपने खुद के अफेयर से अपने खुद का जो तामझाम उसके दिमाग में चल रहा था उससे और मॉर्गन को बोलता है इंतज़ार करो तो वो बेचारा तो अपने खुद के जो भी उसके साथ हुआ होगा उसके अंदर खोया हुआ था और फिर उसने सामने मौगन को देखा और मोगन ने बोला कि अभी मेरे साथ में घर चलना है तब जाके उसने रियलाइज किया कि सामने मौगन है और उसके घर जाना है इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसकी वाइफ आ, क्या जो बेबी का डिलीवरी है वो मुझे ही करना है और मुझे अब जल्दी जाना पड़ेगा तो उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था पर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल के वो मौगन को बोलता है ठीक है आप इंतज़ार करो उ फॉर नंबर ट्वेल्व टेरस तो बोला अभी यहाँ पर उन्होंने क्या किया उन्होंने वो घर में गए अपने अपना बैग लेकर आए और बैग लेकर आकर वो दोनों ही नंबर ट्वेल्व की तरफ चले गए टेरिस नंबर ट्वेल्व की जगह तरफ चले गए ये एक जगह है तो so, बोला की इसकी तरफ वो निकल पड़े द नाइट एयर वॉज कूल एंड डीप विद क्वाइट सॉरी द नाइट एयर वॉज कूल एंडीप विवाइट मिस्ट्री तो बोला कि यहाँ पे हमने देखा कि पूरा का पूरा जो रात की हवाएं थी वो बहुत ही ज्यादा ठंडी चल रही थी बहुत ही उनके अंदर एक मिस्ट्री थी है ना कुछ एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्य उनके अंदर है इतनी ज्यादा क्वाइट थी इतनी ज्यादा शांत थी यूशली सो परसेप्टिव एंड्री नाव फेल डल एंड लिस्ट यूजअली तो एंड्रियो बहुत ही ज्यादा यू नो चीजों को ऑब्जर्व भी करता है इनो you know, चीजों के बारे में बात करता है देखता है नोटिस करता है बट आज ना एंड्री बहुत ही डल महसूस कर रहा था बहुत ही लिसलेस महसूस कर रहा था उसके अंदर ना उस, उसके अंदर वो चाम नहीं था जो यूजअली उसके अंदर होता है ई हैड नो प्रशन दैट दिस लाइट दिस नाइट would would prove unusual, till less that it would influence his whole future in ब्लेन तो अभी उसने बोला अभी हमारे ऑथर कहते हैं कि को कोई प्रिमोनिशन यानी कोई पूर्व अनुमान एंड्रयू को तो कोई पूर्व अनुमान होगा ही नहीं कि आज रात का ये जो कॉल है यानी आज रात ये जो जो मॉर्गन के साथ में उसके घर जा रहा है ये जो मॉर्गन का उसको यहाँ बुलाना और अपने साथ लेकर जाना उसके लिए कुछ नई चीज लेकर आने वाला है कुछ बदलाव लेकर आने वाला है है ना उसकी पूरे फ्यूचर को बदल के रख देने वाला है यहां प्लेनली यानी इस जगह पर इस जगह पर उसका फ्यूचर बदल जाएगा आज की ये रात उसका फ्यूचर बदल देगी और एंड्रयू को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है The two men walked in silence until they reached, to, reached the door of number 12. Dono chupchap chale ja the, finally number 12 ke darwaze par And then Joe drew up short aur phir Joe wahi rugg I will not come in, he said. His voice showed signs of strain. But man, I know you'll do well for us. आप सोचो कि हमें कितना भरोसा होता है डॉक्टर्स पे कितना भरोसा होता है कि हम अपनी जान उनके हाथ में रख देते हैं और जब मैं कहती हूं अपनी जान तो कभी कभी सच में अपनी जान होती है और कभी कभी अपनी जान यानी अपने लोग होते हैं हम कैसे कैसे उनको सौंप देते हैं अपनी जान और सोचते हैं कि ठीक है ये जो भी करेंगे एकदम सही करेंगे जो के साथ भी ऐसा ही था जो भी अंदर नहीं जा रहा था अपने कमरे में अपने घर में नहीं जा रहा था इनफैक्ट वो कह रहा था मैं तो बाहर ही ठीक हूँ मैं तो बाहर ही रहूंगा एंड इनफैक्ट उसने कह दिया हमारे डॉक्टर एंड्रयू को कि आप जो भी करोगे मुझे पूरा भरोसा है अच्छा ही करोगे हम लोग हमेशा मॉम के स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं हम देखते हैं किस तरीके से एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और कितनी पीड़ा में वो होती है हम हम महसूस करते हैं कि वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है और इसीलिए माँ जो है वो पूजनीय है पर पिता भी उतनी ही पूजनीय है क्योंकि हो सकता है कि वो अपने कोक से बच्चे को जन्म नहीं देते हैं हो सकता है कि वो उस पेन का एक परसेंट भी फील नहीं कर सकते हैं पर उनकी फीलिंग और उनके अंदर चलने वाला वो कह सकते हैं ना एक डर एक्साइटमेंट नर्वसनेस वो सब कुछ उतना ही होता है जितना एक माँ में होता है जो यहाँ पर ना अपनी बीवी को प्रॉब्लम में देख सकता है परेशानी में देख सकता है दर्द में देख सकता है और ना ही अपने आने वाले बच्चे को अभी देख सकता है जो नई इस चीज़ को फेस कर सकता है वो बाहर इंतज़ार कर रहा है गड़कड़ाके की ठंड में बाहर इंतजार कर रहा है अपने घर के कह रहा है घर के अंदर नहीं जाऊंगा आप ही अंदर जाओ और आप ही जाओ और मेरे मैंने सौंप दिया है अपने बच्चे और अपनी बीवी को आपको तो आप जो भी करेंगे मुझे पता है आप सब सही करें ठीक है तो ये चीज वो बोलते हैं और आगे देखते हैं क्या हो गया तो so, ये इज़ ओल्ड रिटन फॉर्म ऑफ द वर्ड द कॉन्टम्पलेशन मतलब सोचना अब्रपली मतलब एकदम से परसेप्टिव यानी के सेंसिटिव uh, uh, सोच रखना चीज़ों के बारे में डिस्कस करना बात करना लिस्टलेस बिल्कुल एनर्जी नहीं होना प्रिमोनिशन पूर्व अनुमान या अंदाजा लग जाना अ साइड अर लेड अप टू स्मॉल बेडरूम क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड एंड लिट ओनली बाई एन ओइल लैप गया फिर एंड्री अंदर एक बहुत ही पतली सी स्टेयर यानी सीढ़ियां थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी एक छोटे से बेडरूम में ये बेडरूम काफी ज्यादा साफ था पर यह बहुत ही पुअरली फर्निश था आपको यहाँ पर व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली है और इसके साथ में यहाँ पर रोशनी भी बहुत कम थी केवल एक ऑयल लैंप जला हुआ था और कुछ नहीं जब इस रूम के अंदर उन्होंने देखा तो इस रूम में मिसेस मॉर्गन मदर मिसेस मॉर्गन की मदर थी है ना जो कि एक टॉल ग्रे हेड वुमन थी लगभग सत्तर साल की रही होंगी एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ वेटेड बिसाइड द पेशेंट वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम तो देखा कि वहां पर कौन थी मिसेस मॉर्गन की मॉम थी लगभग सत्तर साल की वो रही होंगी लंबी चौड़ी एकदम सफेद बाल उनके थे और फिर हमने देखा कि थोड़ी और बूढ़ी हट्टी कट्टी मिडवाइफ यानि डायमा नर्स ठीक है तो बोला मिडवाइफ एक दाइमा या नर्स आप जो भी मान लीजिए वो वहां पर वेट कर रही थी पेशेंट के पास में यानी मिसेस मॉर्गन के पास में मिसेस मॉर्गन के पास में वो इंतजार कर रही थी तो अभी कुल मिला के कमरे में तीन लोग थे एक तो मिसेस मॉर्गन जो कि प्रेग्नेंट लेडी है एक इनकी मम्मी और एक दाइमा या फिर नर्स जिसे हम कह सकते हैं अब यहां पर मिडवाइफ मिसेस मॉर्गन के पास बैठी हुई एंड्रयू के एक्सप्रेशन देख रही थी जैसे एंड्रयू रूम में आ रहा था ठीक है वो तो एक्सप्रेशन देख रही है एंड्रयू की एंट्री अंदर हो गई है उट का मतलब होता है हट्टी कट्टी मिडवाइफ इज एक्चुअली नर्स लेट मी मेक यू पे एकदम से आ, हमारी जो मिसेस मॉर्गन की मम्मी है वो कहती है आपके लिए चाय बना के लेकर आ जाऊ डॉक्टर जी हाँ आपके लिए चाय बना लू अब जैसे उन्होंने ये पूछा तो ये क्यों पूछा मतलब आप सोचिए डॉक्टर के अंदर एंट्री हुई है और डॉक्टर जल्दी आ चुके हैं तो अभी उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपके लिए एक कप चाय बना के लेके आ जाऊं ऐसा उन्होंने इसके लिए कहा क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर उनके अंदर एंटर होने के बाद में कुछ ही मिनटों के अंदर उनके अंदर नो रूम के अंदर एंटर होने के बाद में शायद मिसेस मॉर्गन की मॉम को लग गया होगा कि अरे यार बहुत ही जल्दी आ गए डॉक्टर जी तो इतने जल्दी आ गए और अभी डिलीवरी में तो बहुत टाइम है इतना टाइम देख कर कहीं डॉक्टर जी घर ना भाग जाए तो इनको चाय वाय पिलाकर खातिरदारी कर, कर, कर यहीं बिठा लेते हैं <laughs> so Andrew smiled faintly. Andrew, he smiled. He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. बोला कि यहाँ पर एंड्रयू को महसूस हो गया था कि ये जो औरत है जो इतनी बड़ी है तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा समझदार है और इस औरत को रियलाइज़ हो गया था कि काफ़ी ज़्यादा समय है अभी तो डिलीवरी में तो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर ये चीज़ देखकर और घर वापस चला जाए वो चाहती थी कि डॉक्टर यहीं पर बैठा रहे और इस केस को छोड़कर कहीं ना जाए इसीलिए ज़रूर उन्होंने कहा होगा कि एक कप चाय बना लो चाय के बहाने ही सही बैठे रहेंगे है ना तो इतने में एंड्रयू जब ये रियलाइज कर चुके थे कि मिसेस मॉर्गन की मॉम ने ऐसा क्यों बोला तो अब एंड्रयू ने जवाब देते हैं और कहते हैं डोंट मदर नॉट रन अवे अरे आप चिंता मत कीजिए मम्मी यानी माता जी या आंटी ठीक है जैसे हम लोग आंटी बोलते हैं आप माता जी बोल सकते हैं जो भी तो बोला आप चिंता मत कीजिए माता जी मैं कहीं नहीं भाग के जाऊंगा मैं यही हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं इस केस को नहीं छोड़ूंगा ठीक है तो उन्होंने वहां पर उन्हें एकदम अश्योरेंस दिया रिजोर किया कि आप चिंता मत कीजिए मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं मैंने इस केस को अपने हाथ में लिया है तो मैं इस केस को पूरा करके ही जाऊंगा हा माता जी देवी जी लगा जिसे आवाज नहीं आ रही है हो गया क्या मैम नहीं है ना तो उन्होंने उनको रियश्योरेंस दिया कि कुछ नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा अब इसके बाद में वी हैव बाक इसका मतलब क्या होता है ये एक्चुअली एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है जैसे हम कहते हैं ना बच्चा बेटा हाँ बेटू तो ये वैसे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है आंटी जी ने डॉक्टर को बुलाने के लिए स्माइल फेंटली का मतलब होता है बहुत ही कम ताकत हम में बच जाती है ना और उसके बाद में हम स्माइल करते हैं एकदम इतनी छोटू सी स्माइल होती है प्यारू सी एंड फ्रेट का मतलब होता है चिंता किचिन किचिन वहां पर आंटी जी ने उन्हें चाय दी और उन्होंने वो चाय पी ओवर स्नेच इवन एंड आर स्लीप इफ यूट हो वो बहुत ज्यादा थके हुए थे बहुत दूर वो घर से आ चुके थे अगर यहाँ पे वापस यहाँ से घर जाएंगे तो एक घंटे की नींद भी पूरी नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वापस यहाँ आना पड़ेगा ये चीज वो जान चुके थे ही न्यू टू दैट द केस वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन इसके साथ में अभी तक जो भी अपन ने चैप्टर में पढ़ा है आपने चैप्टर का जो भी हिस्सा देखा आपने देखा लोग कितने केयरफुल है जो मॉर्गन कितना केयरफुल है एक घंटे से डॉक्टर के घर के आगे चक्कर लगा रहा है और बाहर खड़ा है पेशेंट ने जल्दी बुला लिया है डॉक्टर को पेशेंट की मॉम पास में बैठी है ऑलरेडी एक नर्स और एक दाईमालकर वहां पर बिठाई हुई है और डॉक्टर आ गया है तो आप समझ गए हो कि यहाँ पर यह जो प्रेग्नेंट लेडी है इसका केस बड़ा टिपिकल होने वाला है काफी ज्यादा टेढ़ा केस है ये यह, तो यहाँ पर डॉक्टर समझ चुके थे कि ये जो केस है ये केस उनका अटेंशन चाहता है उन्हें यहाँ रुकना ही चाहिए घर जाएंगे तो एक घंटा भी नहीं सो पाएंगे और यहां पर रुकेंगे तो कम से कम थोड़ा आराम ही कर लेंगे और केस का केस है ना अक्वियर लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर अब उनमें नहीं था इतनी ताकत कि यहाँ से जाएं घर पे जाकर आधे घंटे की नींद लें फिर वापस भाग के यहाँ पर आए उनके अंदर एक अजीब सी ठीक है एक अजीब सी लताजी एक अजीब सी उदासी एक अजीब सी आलस आलस जो है वो आ गया था वो आलसी हो गए थे एंड देन ही वो लाइक करे छोड़ो यार अभी मैं यहीं रुक जाता हूँ यही रुक जाता हूँ और अब ना बिल्कुल यहाँ पर डिलीवरी कर कर ही जाऊंगा ये केस को ख़त्म कर कर ही जाऊंगा ओवरऑट यानी कि ना स्टेट ऑफ एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा थके होना Snatch का मतलब होता है प्रोग्रेस मेड खेम डाउन वंस मोर सेट बाई द किचन फायर अब वो एक घंटे के बाद ऊपर गए और ऊपर जाकर उन्होंने देखा पेशेंट को देखा क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं हुई है वापस नीचे आए और आकर किचन की जो फायर थी आपको पता है कि सर्दियों के अंदर आग जलाई जाती है तो वो आग जो वहां पे जल रही थी उसके पास जाकर बैठ गए इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक नॉज अट द साउंड बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड अभी जब वो किचन फायर के पास में बैठे हुए थे तो चीजें काफी शांत अगर आवाज़ आ रही थी तो जो चिंगारी होती है ना थोड़ा सा ऐसा होता है कि ठीक है आपके आग जहाँ पे जल रही होती है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रसल करने की आवाज़ आती रहती है तो एक वो आवाज़ जरूर यहाँ पर आ रही थी घड़ी जो है उस घड़ी की धीरे धीरे टिक टॉक टिक टॉक वो टिक टॉक की आवाज़ ज़रूर आ रही थी और हाँ एक और आवाज़ थी और वो आवाज़ थी जो मॉर्गन के बाहर सड़क पे चलने जो मॉर्गन जरूर सड़क पे चल रहे थे तो उनके वो चलने की जूतों से आने वाली जो आवाज थी वो फुटस्टेप्स जो सुनाई दे रहे थे वो आवाज जरूर यहाँ पर आ रही थी पर इनके अलावा और कोई आवाज नहीं थी सब कुछ बहुत ही शांत बहुत ही स्टिल था द ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वॉइस प्रबिंग नेवर लीविंग हिज फेस आप देखते हो यार कभी कभी है ना ऐसा होता है ना या कभी अगर आप मान लो आपका चांस पड़ जाए ऐसी जगह बैठने का जहाँ पर मान लीजिए थोड़ी एल्डरली कोई लेडी बैठी हुई है तो आप देखना उनको ना इतना एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपकी ना शक्ल को देख वो बता देती है कि आपके दिल का हाल क्या है मतलब आप क्या सोच रहे हो क्या फील कर रहे हो देखती और रहती हैं हमें ऐसा लगता है कि यार ये जज कर रही हैं हो सकता है जज भी कर रही हूँ क्यों यहाँ पर ऐसा ही था यहाँ पर भी क्या था वो जो बूढ़ी औरत थी वो ऑपोजिट बैठी थी एकदम उल्टी बैठी थी ब्लैक ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी एकदम उल्टी बैठी हुई थी और बहुत ही मोशन ठीक है वो कोई भी मोशन कर नहीं रही थी आप देखोगे कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी ठीक है वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी और उनकी जो आँखें हैं उनकी आँखें बस चल रही थी वो बैठी हैं काला कपड़ा वहाँ पर पहनकर बैठी हैं और बैठकर बस और बस उनकी आँखें चल रही हैं उनकी आँखें चल रही हैं किस लिए वो आँखें एक्सपीरियंस्ड है वो आँखें वाइज हैं समझदार हैं उनकी आंखों ने समय देखा है जिंदगी देखी है प्रोबिंग प्रोबिंग का मतलब क्या होता है इंक्वायरिंग तो वो जो आंखें हैं वो यहाँ पर बैठी हैं सामने उस बच्चे को देख रही है उस डॉक्टर को देख रही है और उस डॉक्टर के ऊपर वो डॉक्टर को पूरा देख रही है तो उनकी आंखें एकदम चले जा रही हैं उनके फेस को उनकी आंखें छोड़ नहीं रही वो बस उनके फेस को प्रोप कर रही है उनके फेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है देख रही है जाँच रही है यानी अंदर ही अंदर जानने की कोशिश कर रही है कि बच्चा ऐसा कैसा फील कर रहा है मतलब ये बच्चे को कैसा फील हो रहा है ये बच्चा एक्चुअली क्या महसूस कर रहा है अभी तो अंदर ही अंदर वो ये सोच रही हैं है ना तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके वो डॉक्टर के मन की बात जो है वो जानना चाहती हैं मैम डॉक्टर के मन की बात क्या जाननी थी मतलब डॉक्टर वहां पे आया था केस के लिए बैठा था थक गया था एंड दैट्स इट नहीं हम शुरुआत से देख रहे हैं कि एक तरफ जो मॉर्गन की फैमिली है जो बहुत ही ओवर एक्साइटेड है बच्चे के डिलीवरी को लेकर और एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा नर्वस है क्योंकि ये जो केस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है और दूसरी तरफ हम शुरुआत से एंड्रयू को देख रहे हैं जो बहुत ही लिस्टलेस है यूजअली वो ऐसा नहीं होता है पर आज बहुत ही डल है आज बहुत ही खोया खोया है अपने अपने खुद के थॉट्स के अंदर खोया हुआ है तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें रसल का मतलब होता है गुड़ 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 -गुड -गुड वाली साउंड सिंटर मतलब होता है वो ऐसे होता है ना थोड़ा ऐसे बर्निंग आर्टिकल चिंगारियां टाइप प्रोबिंग यानी इंक्वायरिंग इन्वेस्टिगेट करनावी मडल्डोड ही तो अभी वो देख रही थी उस, उस उसके थॉट्स को समझने की कोशिश कर रही थी और हमें ऑथर बताते हैं कि हमारे डॉक्टर के जो थाट्स थे वो बहुत ही हैवी थे कोई तो दुविधा कोई तो कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा था कार्ड स्टेशन पे जो हुआ था अभी भी वो उन्हें परेशान कर रहा था अरे मैम ऐसा क्या हो गया था कार्ड स्टेशन पे जो डॉक्टर को अभी तक परेशानी हो रही थी कि डॉक्टर के थॉट्स एकदम से कॉम्प्लिकेटेड थे वो बहुत ही कंफ्यूज महसूस कर रहे थे अरे हुआ क्या था एक्चुअली डॉक्टर की लड़ाई हो गई थी अपनी गर्लफ्रेंड से तो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी क्रिस्टीन नाम की उनकी गर्लफ्रेंड थी किस नाम की क्रिस्टीन ठीक है क्रिस्टीन नाम की उनकी गर्लफ्रेंड थी और कार्डिफ स्टेशन पे उनकी लड़ाई हो गई थी क्रिस्टीन से एक मुद्दे को लेके जिस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में तू तू मैं चलती रहती है हर एक इंसान जो रिलेशनशिप में होता है वो कमिटमेंट मांगता है हर एक इंसान सोचता है कि ठीक है अगर वो किसी इंसान से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में है तो अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो शादी करना चाहता है बहुत सारे लोग उस स्टेज तक पहुंच पाते हैं बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते को बहुत सारे लोग उसको पार कर पाते हैं। उस स्टेज को बहुत सारे लोग नहीं कर पाते यहाँ पर ऐसा ही था यहाँ पर हमारे डॉक्टर एंड्रयू और क्रिस्टीन के बीच में लड़ाई हो गई थी और ये जो लड़ाई है ये लड़ाई उनके दिमाग से जा ही नहीं रही थी कहते हैं ना कि कोई एक इंसान अगर अपने पर्सनल स्पेयर में खुश हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती अगर किसी एक इंसान के साथ उसकी फैमिली उसके लव्ड वंस खड़े हुए हैं उसे घर में होने वाली चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है उसकी पर्सनल स्पेस में होने वाली चीज़ों का कोई टेंशन नहीं है तो वो दुनिया में किसी चीज़ से भी लड़ जाएगा उसके माँ बाप उसके साथ है उसकी बीवी उसका पति उसके बच्चे उसके साथ है तो वो कुछ भी कर लेगा या कर लेगी बट अगर वो पर्सनल स्पेस में ही शांति नहीं है तो वर्क स्पेस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऐसा ही है हुआ कुछ यहाँ पर यहाँ पर उनकी लड़ाई अपनी गर्लफ्रेंड से हुई और उसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे टाइम वो इतने उदास थे उनके उनके थॉट्स इतने ज्यादा इधर उधर बिखरे हुए थे वो इतने डल महसूस अपने आप को कर रहे थे जब वो किचन फायर के सामने बैठे थे तो वो सोच रहे थे थॉट ऑफ ब्रामवेल फुलशली डिवोटेड टू अ डिसीव्ड हिम सोर्डली अब जब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ जब आपकी आपके लव्ड वन से लड़ाई होती है ना तो आप ना उस वक्त उस एंगर में होते हो उस गुस्से में होते हो अरे इसकी तरफ अब मैं मुड़के नहीं देखूंगी अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगी हाँ अब तो बस हो गया या अब तो मैं इसको इसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगा मैं माफी नहीं मांगूंगा मैं इसके पास वापस कभी नहीं जाऊंगा है ना तो हम उस वक्त ये सोच रहे होते हैं कि नहीं अब तो अब तो कभी भी ये हम रिकनसाइल नहीं करेंगे अब तो कभी भी पैचअप नहीं हो सकता अब तो हो गया बस है ना तो सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में उस वक्त आ रहे होते हैं और एकदम ऐसा ही हुआ यहाँ पर जो एंड्रयू है क्योंकि एंड्रयू की उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी तो सबसे पहले वो सोच रहा था ब्रैमविल नाम के एक इंसान के बारे में एक ऐसा इंसान जो फुलिशली बेवकूफ था मूर्खों की तरह डिवोटेड था एक औरत की तरफ प्यार में अंधा था एक औरत के और उसी औरत ने उसे धोखा दिया तो वो किचन फायर के सामने बैठे हैं और बैठकर सोचे हैं सोच रहे धोखों के बारे में औरतों के धोखों के बारे में सोच रहे हैं फेंट के बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं किस तरीके से ब्रैमविल ने अपना सब कुछ लुटा दिया एक औरत के लिए इतना प्यार किया उस औरत से और उस औरत ने उसे धोखा दिया फिर इसके बाद में सोचते हैं किसके बारे में एडवर्ड पेज के बारे में एडवर्ड पेज के बारे में सोचते हैं सोचते हैं कि किस तरीके से ये बंदा एक टॉक्सिक औरत के साथ बंदा हुआ है एक ऐसी बंदी जो इतनी डोमिनेटिंग है कि यहां पर डिक्टेटरशिप चलाती है इस बंदे को अपने अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं करने देती तो ब्राह्म जिसने प्यार में धोखा खाया एडवर्ड पेज जो एक ऐसी औरत के साथ है जो टॉक्सिक है जो टॉक्सिक है वो उसे कुछ नहीं करने देती बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है और फिर वो सोचते हैं किसके बारे में डेनी के बारे में डेनी के, के बारे में सोचते हैं जो प्यार में इतने पागल हैं अपने वाइफ के कि अपनी वाइफ से अलग होकर जिंदगी टूट गई है उनकी वो बिखर गए हैं अनहैप्पीली जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ये यह सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं एग्जाम्पल्स बताते हैं एक इंसान ने खूब प्यार किया एक औरत से वो धोखा देकर चली गई एक इंसान ने खूब प्यार किया एक औरत से वो औरत टॉक्सिक बन गई एक इंसान ने खूब प्यार किया एक औरत से और वो जो औरत है वो जब चली गई ये दोनों अकेले अलग हो गए हैं तो वो औरत खुश नहीं है मतलब शादी करो तो आप खुश नहीं हो शादी नहीं करो तो आप खुश नहीं हो करे क्या आदमी क्या करे कोई एक इंसान अब यहां पर क्या है ना यहाँ पर ऐसे अंदर से एकदम गुस्सा सा आ रहा है मेरे को ये औरतों के बारे में बात कर रहा है इसलिए बट क्या है ना ये आप देख रहे हो कि एक तरफा एंगल है एंड्रयू अपनी तरफ से सोच रहा है है ना तो मेरे जैसे बाकी तो सारे लोग जिनको ये गुस्सा आ रहा है कि औरतों के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं ये ये एक तरफा एंगल है एंड्रयू अपने बारे में सोच रहा है वो अपने दृष्टि से शादी को देख रहा है और जब वो अपने दृष्टि से शादी को देखेगा अपने नजरिए से शादियों को देखेगा तो नेचुरली वो अपने अपने श्रेणी के लोगों को ही देखेगा वो उन लोगों को ही देखेगा जो आदमी जो उनके उसके साथ हैं जो उसके साथ काम करते हैं जिनकी लव स्टोरीज उसने देखी है जिनकी मैरिड लाइफ उसने देखी है वो ये तो नहीं देखेगा कि औरत ने क्या सोचा होगा क्यों कोई औरत छोड़कर गई होगी क्या धोखा दिया नहीं दिया सच है झूठ है वो अपने हिसाब से सोच रहा है बाकी आदमियों को ध्यान में रखते हुए तो देख रहे हैं कि यहां पर ये या आदमी जो है ये शादी कर लेते हैं तो भी खुश नहीं है शादी नहीं करते हैं तो भी खुश नहीं है शादी करके अलग हो जाते हैं तो भी खुश नहीं है इज रीजन टोल्ड हीम दट ऑल दीज मैरिजेस वेलियर उसने जब ये सारी के सारे शादियों के बारे में सोचा तो उसका शादी पर से विश्वास ही उठ गया like, oh, ये सारी की सारी शादियां तो फेलियर है ये शादियां तो चल ही नहीं रही है इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन प्रेजेंट स्टेट मेड हिम साफ था फैसला अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड्रयू की अभी भी लड़ाई हुई है सामने जितने एग्जाम्पल है शादियों के वो सारे फेल है कॉन्क्लूजन सामने है आज आज अगर हम सोचते हैं तो आज का कॉन्क्लूजन सामने शादी बर्बाद करती है आपको शादी आपको बर्बाद करेगी शादी आपको करनी नहीं चाहिए ठीक है ये कॉन्क्लूजन उसके सामने था उसे तो ऐसा लगता था कि शादी अभी 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 उसको ये लग रहा है पर क्या है ना वो है ना शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो नहीं खाए वो भी पचता है तो एक तरफ जब सारे लोगों के बारे में सोच रहा था अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में सोच रहा था तो ऐसा लग रहा था कि यार शादियां तो फेल होती हैं मतलब ही नहीं है शादी करने का पर दूसरी तरफ सोच रहा था कि यार मैरिज तो एक बहुत ही पवित्र बंधन है मैरिज तो एकदम परफेक्ट स्टेट है रिलेशनशिप की मैरिज से परफेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता हाँ कि इससे बढ़िया रिलेशनशिप किसी स्टेट में नहीं जा सकती ये लास्ट स्टेज है और वहां से सब मिल जाता है इंसान आपका पार्टनर आपके साथ है और आपको अब और कुछ नहीं चाहिए और जब वो ये सोच रहे थे उस शादी को बेस्ट तरीके से जब देख रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन के बारे में सोच पा रहे थे उनके सामने सिर्फ क्रिस्टीन का चेहरा आ रहा था और वो सोच पा रहे थे कि क्रिस्टीन के साथ में तो कोई शादी बर्बादी ला ही नहीं सकती क्रिस्टीन के साथ में तो कोई शादी फेलियर हो ही नहीं सकता हाय मेरी क्रिस्टीन जैसे वो ये सोच रहे थे कि क्रिस्टीन और उनकी शादी के बारे में उनके दिमाग में वो जो ख्याल आ रहा था उनके सामने क्रिस्टीन की इमेज आ गई थी उसकी चमकदार आंखें वो चमकीली आंखें उनकी आंखों के सामने आ गई थी और जब वो आंखें उन्होंने फिर अपने आगे आंखों के सामने इमेजिन करे तो कोई और कॉन्क्लूजन बचता ही नहीं था हाँ हो गई होगी बहुत सारे लोगों की शादियां फेल हन नहीं करी होगी किसी ने शादी या करके पछता रहे होंगे या बर्बाद हो गए होंगे पर मैं तो करूंगा क्रिस्टीन से शादी क्योंकि क्रिस्टीन से शादी फेल नहीं हो सकती है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ उसकी आंखें तो देखो कितनी चमकीली आंखें हैं कोई और कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता करनी है क्रिस्टीन के साथ शादी करनी है बेस्ट चीज है वो करने के लिए इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड इज ओवर फ्लोइंग हार्ट विच हिम रिजेंटफुल एंड कंफ्यूज ये दिल और दिमाग के बीच की जंग है हाँ, हर आशिक को इससे गुजरना पड़ता है दिमाग कह रहा था बर्बाद हो जाएगा शादी करके ये तेरे बाकी सारे दोस्त इतने पछता रहे हैं देख ले एक बार उनको और दिल कह रहा था कि शादी क्रिस्टीन के साथ फेल हो ही नहीं सकती क्रिस्टीन के साथ जिंदगी और बस बेहतर हो सकती है तो ये दिल और दिमाग की जंग थी जिसकी वजह से वो बहुत ही रिजेंटफुल और कंफ्यूज हो गए थे बहुत ही रेस्टलेस फील हो रहा था बहुत ही कंफ्यूजन में थे पता नहीं क्या करूं मैं क्रिस्टीन से बात उससे साथ शादी करूं, करूं, उसे छोड़ में आगे बढ़ कुछ समझ नहीं आ रहा था। चेस्ट करेच आउट हिज लेग्स ऐसा होता ना अपने खुद के थॉट्स में हम खो जाते एकदम वैसा ही हुआ वो एकदम से ऐसे हो गए पा उन्होंने स्ट्रेच कर लिए और बस फायर में देखते रहे एक टक बस देखते रहे देखते रहे देख हो गए बस क्रिस्टीन के ख्यालों में ओल्ड वुमन ऑपोजिट सडनली अड्रेस्ड है एकदम से वो इतना बुरी तरीके से क्रिस्टीन के ख्यालों में खो गए थे कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि वो कहाँ बैठे थे कि वो अभी यहां पे एक पेशेंट को देखने आए थे मतलब वो इतने खो चुके थे कि पास में बैठी हुई ऑपोजिट बैठी हुई वो औरत वो औरत कौन थी मिसेस मॉर्गन की मां मिसेस मॉर्गन की मां ने जब उन्हें आवाज लगाई तो चमक गए क्या हुआ कहू मैं एकदम से चमक गए हर मेडिटेशन हैड डिफरेंट कॉर्स अब यहाँ पर ऐसा था कि वो दोनों बैठे हुए थे एकदम से आ, हमारे डॉक्टर साहब तो क्रिस्टीन के ख्यालों में खोए हुए थे शादी करूँ नहीं करूँ सोच रहे थे पर यहाँ पर मिसिज मॉर्गन की माँ कुछ और ही सोच रही थी वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी अपने आने वाले आ, पोते पोती के बारे में सोच रही थी तो उन्होंने उन्हें आवाज लगाई देखते हैं क्या बोला बट वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ठीक है अभी नहीं नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार मिसेस मॉर्गन की मॉम ने उनसे क्या कहा प्रणव यू कैन यू कैन गो टू द चैनल गो टू द लाइव सेक्शन एंड यू कैन वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स मॉडल का मतलब होता है बिखरे हुए मॉबिडली का मतलब होता है एकदम अब नॉर्मल अनहेल्दी तरीके से सोडली का मतलब होता है सेल्फिश का मतलब होता है बहुत ही गुस्सेल डिसमल का मतलब होता है गम में डूब जाना विंस का मतलब होता है यू नो एक ऐसा होता है ना कि आप एकदम से आ, पेन या डिस्ट्रेस से मूव कर रहे हो आइडल का मतलब होता है सबसे खूबसूरत सुखी जॉय से भरा हुआ रिजेंटफुल मतलब एक फीलिंग एक्सप्रेशन आपके अंदर की कड़वाहट का और ब्रूडिंगली का मतलब होता है बहुत गम में डूबे हुए मतलब पूरी तरीके से कंज्यूम हो गए गम में और फिर हम किसी चीज के बारे में सोच और राइट right, तो यहाँ पे हमने बर्ड चैप्टर को अभी तो लगा दिया है कॉमा नहीं अभी खुलासा नहीं करेंगे आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास इलेवंथ के लिए मैं आ, आपकी प्ले बना दूंगी और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे देखते हैं फिर भाई यहाँ पर ये डिलीवरी करने आए हैं और क्या हो रहा है मतलब क्रिस्टीन से शादी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या हो रहा है ये है ना तो अगले अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे आप लोग अभी आए हो यहाँ पर तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज्वाइन करने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो के रिकमेंडेशन आते रहें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और हर रात साढ़े आठ बजे इन वीडियोज़ के लिए इन क्लासेस के लिए ज़रूर चैनल पर आइएगा हम कल इसको कंटिन्यू करने वाले हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए आई एल सी यू टुमारो बाय बाय टेक केयर गुड नाइट सी